हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 10th की प्रश्नावली 4.5.1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन और बेसिक जानकारी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करा बता चुका हूँ। प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखें, ठीक। अब इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि ए और प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है, तो इसमें क्या है। पहला पद, पहला क्वेश्चन है ए बराबर 10, डी बराबर 10। तो इसमें पहले प्रथम चार पद पूछ रहा हमसे लिखने को, पहला पद दे दिया और सर्वांतर दे दिया। पहला पद, प्रथम पद ए वन हो जाएगा 10, द्वितीय पद ए टू बराबर ए वन प्लस डी, डी जोड़ देंगे इसमें तो बराबर कितना जाएगा 10 प्लस डी कितना है 10, तो ए टू बराबर कितना आएगा 20। ए थ्री, ए टू प्लस डी बराबर, ए टू कितना है 20 प्लस 10 तो कितना आएगा 30। ए फोर बराबर ए थ्री प्लस डी, 30 प्लस 10 तो 40। ए फोर कितना आएगी मेरा 40, तो सारणी क्या होगी मेरी, ए पी बराबर 10, 20, 30, 40 आंसर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा, ए बराबर माइनस के 2 और डी बराबर 0, तो सर्वांतर इसमें डी दिया तो इसमें सारे के पद क्या आएंगे माइनस के 2 ही आएंगे, तो ए वन बराबर कितना हो गया माइनस के 2, ए टू बराबर क्या हो गया ए वन प्लस डी, तो ए वन कितना है माइनस के 2 प्लस 0, तो ए टू बराबर क्या हो गया माइनस के 2। ए थ्री, ए थ्री ए टू प्लस डी तो माइनस के 2 प्लस के 0, तो ए थ्री कितना आ गया मेरा माइनस के 2। ए फोर, ए फोर बराबर ए थ्री माइ प्लस डी, तो ए थ्री कितना आया मेरा माइनस के 2 प्लस के 0, तो ए फोर कितना आ गया मेरा माइनस के 2, तो ए पी क्या होगी मेरी माइनस के 2 कोमा माइनस के 2 कोमा माइनस 2 कोमा माइनस 2, दिस योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन, ए बराबर 4, डी बराबर माइनस के 3, तो ए वन कितना हो गया मेरा 4, तो ए टू क्या हो जाएगा ए टू ए वन प्लस डी वन डी, तो ए वन कितना मेरा 4 और डी माइनस के 3 तो बराबर माइनस का 1। ए टू, ए थ्री, ए टू प्लस डी, ए टू कितना आया माइनस के 1 और माइनस के 3 तो बराबर माइनस के 4। ए फोर, ए थ्री प्लस डी माइनस के 4 माइनस के 3 बराबर माइनस के 7, तो ए पी क्या होगी मेरी 4 कोमा माइनस 1 माइनस 4 कोमा माइनस का 7 आंसर। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ सॉरी, ए बराबर माइनस के 1 और डी बराबर 1/2, तो ए 1 कितना हो गया मेरा, प्रथम पद दिया है माइनस के 1, ए टू क्या हो जाएगा मेरा ए वन प्लस डी, तो ए वन कितना है माइनस के 1 प्लस के 1/2 तो बराबर 2 माइनस प्लस 1 बराबर माइनस के 1/2, तो ए थ्री, ए टू प्लस डी बराबर माइनस के 1/2 प्लस के 1/2,
कैंसिल बराबर जीरो, ए फोर बराबर ए थ्री प्लस डी, तो जीरो प्लस वन अपॉन टू तो बराबर वन अपॉन टू, तो ए पी क्या होगी मेरी, ए पी माइनस के वन कोमा माइनस के वन अपॉन टू कोमा जीरो कोमा वन अपॉन टू आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, ए बराबर माइनस के 1.25 और डी बराबर माइनस के 0. ठीक, तो प्रथम पद क्या दे दिया इसमें, ए वन माइनस के 1 अपॉन, ठीक, द्वितीय पद ए टू बराबर ए वन प्लस डी बराबर माइनस के प्लस माइनस 0.25 बराबर 1.50। ठीक, ए थ्री ए टू प्लस डी बराबर माइनस के 1.50 माइनस के 0.25 बराबर माइनस 1.75। ए फोर ए थ्री प्लस डी बराबर माइनस 1.75 माइनस 0.25 बराबर माइनस 2.0, तो ए पी क्या हो गई मेरी, ए पी बराबर माइनस के 1.25 कोमा माइनस 1.050 कोमा माइनस 1.75 कोमा माइनस के 2.0, दिस योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा समांतर लिखिए, पहला है 3,1 माइनस 1 माइनस के 3, तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया मेरा, प्रथम पद ए बराबर 3, सर्वांतर डी बराबर इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 3 बराबर माइनस के 2 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, माइनस के 5 माइनस के 1 3 7 डॉट डॉट, तो प्रथम पद क्या हो गया इसमें, प्रथम पद ए बराबर माइनस के 5, सर्वांतर डी बराबर माइनस के 1 माइनस पहले पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 5 तो 4 आंसर। थर्ड क्वेश्चन, 1/3, 5/3, 9/3, 30/3, प्रथम पद ए बराबर 1/3, सर्वांतर डी बराबर 5/3 माइनस 1/3 बराबर 4/3 एंड फोर्थ को 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 प्रथम पद ए बराबर 0.6, सर्वांतर डी बराबर इसमें से माइनस कर देंगे
माइनस 0.6 बराबर 1.1 आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसके सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इस और इनके तीन और पद लिखिए। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। तो प्रथम पद तो ये है, हमें एपी में ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसका समांतर सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा डी। डी के लिए क्या करेंगे, हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, तो 4 - 2 = 2 डी बनवा लेते हैं, डी टू क्या जाएगा मेरा, इस वाले में से माइनस कर देंगे, 8 - 4 = 4 ठीक। ये डी वन डी टू बराबर नहीं है, डी वन बराबर नहीं है डी टू के, तो श्रेणी एपी में नहीं है ठीक। दूसरा क्वेश्चन 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट, तो डी वन बराबर क्या है क्या मेरा, 5/2 - 2 दूसरे में से पहला घटाया बराबर 4, 2, 5, 4 = 1/2 ठीक। डी टू 3 - 5/2 इसमें से माइनस कर दिया, श्रेणी में है अगर एपी में है या नहीं है, इसके लिए हमने दो पद निकालने जरूरी हैं, 2, 6 - 5 = 1/2 तो डी वन बराबर डी टू क्या आएगी, तो श्रेणी कायम में है, श्रेणी एपी में है। अगर श्रेणी एपी में है, ध्यान से पढ़ो इसे, यदि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करो ठीक। सर्वांतर आएगा डी, कितना आएगा सर्वांतर, सर्वांतर डी बराबर कितना है 1/2। आगे क्या पूछ रहा है, और इनके तीन और पद लिखिए। तीन पद के लिए पहला पद ये रहा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तीन और लिखवा रहा, तो ये मान लिया हमने ए वन है, ये ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव निकालना है। ए फाइव के लिए क्या करेंगे हम, ए फाइव ए फोर प्लस डी, डी कितना है मेरा, ए फोर कितना है मेरा 7/2, 7/2 प्लस 1/2 बराबर 2, 8 तो 4 ठीक, 6 प्लस डी 4 + 1/2 बराबर 2, 8 + 1 = 9/2 7, 6 + D = 9/2 + 1/2 = 2 9 + 1 = 10/2 = 5 तो अगले तीन पद क्या आ गए, श्रेणी के अगले तीन पद क्या है, 4, 9/2, 5 आंसर, और सर्वांतर हमारा क्या आ गया था ये ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, थर्ड, -1.2 - 3.2 - 5.2 -
7.2 डॉट डॉट। सर्वांतर निकाल लेंगे डी बराबर डी वन बराबर तो माइनस के 2.2 माइनस माइनस प्लस तो 2 से 0 और माइन बराबर माइनस के 2 डू डी टू माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस तो बराबर माइनस के 2 तो डी वन बराबर डी टू ठीक। तो श्रेणी मेरी काय में है श्रेणी एपी में है। अगर एपी में है तो सर्वांतर ज्ञात करना है और अगले तीन पद ज्ञात करने हैं। तो सर्वांतर कितना आएगा मेरा डी बराबर माइनस के 2 एक आंसर ये हो गया मेरा सर्वांतर। इसे मान ले ए वन है ये ए टू है ये ए थ्री ये ए फोर तो कोमा ए फाइव कोमा ए सिक्स कोमा ए सेवन ये याद करने में जाए सेवन तक तीन पद और। तो ए फाइव बराबर ए फोर प्लस डी ए फोर कितना है मेरा माइनस के 7.2 और प्लस माइनस के 2 तो बराबर कितना आएगा 9.2 माइनस के ए सिक्स ए फाइव प्लस ए डी बराबर माइनस के 9.2 प्लस माइनस के 2 तो माइनस के 11.2 ए सेवन बराबर ए सिक्स प्लस डी बराबर माइनस के 11.2 माइनस के 2 बराबर 13.2 ठीक। तो अगले तीन पद क्या आ गए श्रेणी के अगले तीन पद बराबर माइनस के 9.2 माइनस के 11.2 माइनस के 13.2 आंसर ठीक। फोर्थ माइनस के 10 माइनस के 6 माइनस के 2 और 2 डॉट डॉट डॉट। ए निकाला और डी निकालेंगे डी माइनस के 6 प्लस के 10 बराबर 4 डी टू माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर 4 तो डी वन बराबर डी टू के है। तो श्रेणी काय में है मेरी एपी में श्रेणी एपी है समांतर श्रेणी है एपी मीन्स समांतर श्रेणी। तो सर्वांतर डी बराबर कितना आ गया 4 ठीक। अगले तीन पद ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव तो ए फाइव बराबर ए फोर प्लस डी ए फोर कितना है मेरा 2 प्लस 4 बराबर 6 ए सिक्स बराबर ए फाइव प्लस डी बराबर 6 प्लस 4 बराबर 10 ए सेवन बराबर ए सिक्स प्लस डी बराबर 10 प्लस 4 बराबर 14। तो श्रेणी के अगले तीन पद 6, 10, 14 फिफ्थ क्वेश्चन थ्री कोमा थ्री प्लस रूट टू कोमा थ्री प्लस टू रूट टू कोमा थ्री प्लस थ्री रूट टू। प्रथम पद डी वन थ्री प्लस रूट टू
माइनस थ्री, थ्री से थ्री तो रूट टू, तो थ्री प्लस टू रूट टू माइनस रूट और माइनस के दो रूट दो, तीन से तीन कैंसिल, इसमें से गया तो रूट टू। तो डी वन बराबर डी टू के है, तो श्रेणी मेरी काय में है, एपी में है, एपी में है। तो क्या करेंगे, मैं सर्वांतर, सर्वांतर डी बराबर रूट टू, डी बराबर रूट टू आ गया। अगले तीन पद, तो ए फाइव बराबर, फोर तक तो दिए हैं मुझे, ए फाइव बराबर ए फोर प्लस डी, ए फोर कितना है मेरा, थ्री प्लस थ्री रूट टू प्लस रूट टू बराबर थ्री प्लस फोर रूट टू, ए सिक्स बराबर थ्री प्लस फोर रूट टू प्लस रूट टू, तो थ्री प्लस फाइव रूट सेवन, थ्री प्लस फाइव रूट टू प्लस रूट टू बराबर थ्री प्लस सिक्स रूट टू। तो अगले तीन पद क्या आंसर आएगा मेरा, ये आंसर सिक्स क्वेश्चन, टू पॉइंट जीरो पॉइंट दो, जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू 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 कॉमा डी वन माइनस कितना आया, जीरो लिख ले हम, तो जीरो पॉइंट जीरो टू, ठीक। डी टू कितना आएगा मेरा, जीरो पॉइंट टू टू माइनस जीरो पॉइंट टू टू, जीरो लिख ले हम, तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू ये बराबर नहीं है, तो डी वन बराबर नहीं है डी टू के, तो श्रेणी एपी नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, कोमा माइनस चार माइनस के आठ माइनस के बारह, डी वन बराबर माइनस के फोर माइनस जीरो बराबर माइनस के फोर, डी टू बराबर माइनस के एट प्लस के और माइनस के फोर, तो डी वन बराबर डी टू क्या आएगा, तो श्रेणी काय में आएगी मेरी, एपी में, श्रेणी एपी है, श्रेणी मेरी काय में है एपी में, तो एपी में है तो सर्वांतर डी बराबर माइनस के फोर, ठीक। अगले तीन पद क्या आएंगे, डायरेक्ट लिख दूं अब, श्रेणी क्या दी हुई है मेरी, फोर कॉमा माइनस फोर जीरो कॉमा माइनस के चार माइनस के आठ माइनस के बारह। अगले तीन पद, तो माइनस में माइनस के फोर जोड़े तो कितने हो गए, माइनस के सोलह, इसमें जोड़े तो माइनस के बीस, इसमें जोड़े माइनस के चौबीस, ठीक। दिस योर आंसर, ठीक, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एट माइनस के एक बटा दो 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 डोट डोट, तो डी वन कितना आएगा मेरा, माइनस के एक बटा दो और माइनस माइनस प्लस एक बटा दो बराबर जीरो, डी टू माइनस के एक बटा दो माइनस के एक बटा दो प्लस के माइनस के एक बटा दो तो बराबर जीरो, तो डी वन बराबर डी टू कितना आएगा मेरा, बराबर, तो श्रेणी काय में है मेरी, श्रेणी एपी में है, ठीक। जब एपी में है तो अगले तीन पद ज्ञात, सर्वांतर ज्ञात करना है, सर्वांतर कितना आएगा मेरा,
डी बराबर 0, एक आंसर यह हो गया। अगले तीन पद तो श्रेणी क्या दी है मेरी, श्रेणी माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, कोमा माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, ठीक चार पद आ गए। तो अगला पद 0 इसमें ऐड कर देंगे, तो माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, डॉट डॉट आंसर। ठीक क्वेश्चन नंबर 9, 1,3,9,27 डॉट डॉट। तो डी 1 = 3 - 1 = 2, डी 2 = 9 - 3 = 6। तो डी 1 बराबर नहीं है डी 2 के, ठीक। तो श्रेणी कायम होगी मेरी, एपी नहीं है, श्रेणी एपी नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला 10वां, 1,2,3,4a डॉट डॉट। तो डी 1 = 2a - a = a, ठीक। डी 2 = 3a - 2a = a। तो डी 1 बराबर है डी 2 के, तो श्रेणी मेरी एपी है, श्रेणी एपी है, ठीक। तो श्रेणी एपी है तो सर्वांतर कितना हो गया इसका, सर्वांतर डी बराबर ए, एक आंसर ये हो गया। अगले तीन पद श्रेणी क्या दी मेरी, ए 2a 3a 4a, इसमें ए और कैन वो ऐड कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट कर रहूंगा, तो श्रेणी क्या हो जाएगी मेरी, 1,2,3,4,5,6,7a डॉट डॉट। a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7, अगले तीन पद दिया आएगा मेरे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 1,a² a3 a³ a^4 डॉट डॉट। डी 1 बराबर कितना आएगा, a² - a = a^2 - a-1, ठीक। डी 2 a³ - a² बराबर ए स्क्वायर कॉमन, तो a-1, ए स्क्वायर ए है और यहाँ ए स्क्वायर है, तो डी 1 डी 2 बराबर नहीं है, डी 1 डी 2 बराबर नहीं है, तो श्रेणी मेरी एपी नहीं है, श्रेणी में एपी नहीं है, ठीक। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, √2,√8,√18,√32 डॉट डॉट। प्रथम पद डी 1, डी 1 क्या जाएगा, √8 - √2, तो √2 कॉमन आएगी यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचा, 2 - 1, तो बराबर √2, ठीक। डी 2 = √18 - √8, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 9 × 2, और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 2, तो क्या आ जाएगा मेरा, 3 √2 - 2 ×, तो बराबर कितना आएगा, √2। तो डी 1 बराबर डी 2 के है, ठीक। तो श्रेणी काय में आएगी मेरी, एपी में, श्रेणी एपी,
ठीक, तो एपी में है तो सर्वांतर कितना आएगा इसका, सर्वांतर डी बराबर रूट टू। देखो ही कर देता हूँ इसे, रूट टू इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट टू कोमा दो रूट टू कोमा थ्री रूट टू कोमा फोर रूट टू। ठीक, फोर अंदर जाएगा 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32। तो इसका अगला पद कौन सा आएगा मेरा, नेक्स्ट पद कौन सा आएगा, 5√2 ठीक कोमा 6√2 कोमा 7√2। एक पद दिया आया, दो पद दिया आ गए, अगले तीन पद आ गए आंसर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर 13, √3√6√9√12 ठीक, D1√6 − √3। तो √3 कॉमन आएगा इसमें से, तो क्या बचेगा, √3 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा √2 − 1 ठीक, D2 √9 − √6। तो यहाँ से भी क्या कॉमन ले लोगे, √3 कॉमन लूँ यहाँ से √3, तो यहाँ क्या बचेगा, तो D2 क्या आ गया मेरा, √9 − √6, तो √3 कॉमन आएगा तो √3 − √2 बचा, लेकिन D1 D2 बराबर नहीं है, D1 = D2 के नहीं है, तो श्रेणी मेरी AP नहीं है, श्रेणी AP नहीं है। ठीक, 14 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग और 7 का वर्ग डॉट डॉट। तो D1 = 3² − A² = 9 − 1 = 8 ठीक, D2 = 5² − 3² = 25 − 9 = 15। तो D1 बराबर नहीं है D2 के, तो श्रेणी AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, 1² + 5² = 7² − 73 डॉट डॉट डॉट। तो D1 = 25 − 1 = 24, तो D2 = 25 − 7² = 5² = 49 − 25 = 24। तो D1 D2 बराबर है, D1 = D2, तो श्रेणी AP है। ठीक, श्रेणी AP है तो सर्वांतर कितना आएगा मेरा, सर्वांतर D = 24। तो अगले पद क्या जाएंगे मेरे, 1² + 5² + 7² = 73। 73 में कुछ 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 9, 24 ऐड करें 1 11 कहाँ से ले, 1 10, अरे तो 12 ठीक, फिर करें 24 ऐड तो 5 4 1। तो अगले तीन पद क्या होगा मेरे, 97 121 145 आंसर।
एक्सरसाइज खत्म हो, कल हम इससे अगली एक्सरसाइज करेंगे। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना।